हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। स्वागत है आपका बाबा का जीएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों दोस्तों आई एम ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है क्या? किसके पहले घोषित किया गया, बाद में नहीं पूछा कि किसके बाद में घोषित किया गया। अगर पूछता किसके बाद में घोषित किया गया तब आप लगाते थर्ड फाइव ईयर प्लान। क्या पूछा? किसके पहले घोषित किया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। कैसे? 1961 से 66 ये थर्ड फाइव ईयर प्लान था। इसके बाद ही तो प्लान हॉलिडे है, 1966 से 69। इसके बाद फिर चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। तो क्या पूछा कि किसके पहले घोषित किया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले घोषित किया गया प्लान हॉलिडे, है ना? तो ये सब समझिएगा, तीसरे के बाद चौथे के पहले, यही तो कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये बात समझ में, यही सब कॉन्सेप्ट है, यही सब समझना आपको है, है ना? कीटनाशक डीटीटी का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द इंसेक्टिसाइड डीटीटी? पॉल हरमन मूलर, ऑथमर जेडलर, ऑर्थर फिशर, फेलिक्स हॉफमैन। क्वेश्चन नंबर चार दोस्तों, तो हु इन्वेंटेड द इंसेक्टिसाइड डीटीटी, कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार किसने किया दोस्तों? तो कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार पॉल हरमन मूलर ने किया है दोस्तों। कौन किया है? पॉल हरमन मूलर ने किया है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। दोस्तों आपको याद होगा डीडीटी की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है, तो कीटनाशक है ये डीडीटी, यानी डाइक्लोरो डिफेनिल ट्रिक्लोरो इथेन, और मलेरिया जैसे वेक्टर के बारे में पता लगाया और इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया पॉल मूलर, जो कहां के थे? तो स्विस रसायन शास्त्री, यानी स्विट्जरलैंड के हैं। कहां के दोस्तों? स्विट्जरलैंड के, है ना? ठीक है, क्लियर है ना यहां तक? चलिए आ जाइए निशा जी, पढ़ लीजिए ना। मतलब पहले पोल नहीं था तो क्या बच्चों ने सिलेक्शन नहीं लिया? आप मुझे ये बता दीजिए। अरे पढ़ाई पे फोकस करिए ना, यही सब डिस्टरबेंस एलिमेंट होता है आपके दिमाग में, चलता रहता है। क्यों? पढ़ने में मन नहीं लगा तो सर पोल वाला क्लास शुरू करा दीजिए, ये क्लास शुरू करा दीजिए। यार पढ़ने वाले बच्चे पढ़ के सिलेक्शन लिए हैं यहीं से, तो फोकस करिए पढ़ने पे, है ना? तो चौरी चौरा घटना किस दिन घटी दोस्तों? तो चौरी चौरा घटना की बात करें 5 फरवरी 1922 को, और गांधी जी को इसके लिए जिम्मेदार माना गया, और 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया दोस्तों, गांधी जी को याद होगा। और गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिए, है ना? चौरी चौरा कहाँ है सर? सर ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। तो याद रखना चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को हुआ, 12 फरवरी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये तीन डेट आपको हर हाल में याद रखने हैं, ठीक है? चलिए अभी नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने के लिए स्वतंत्रता से संबंधित है? चलिए आकाश से खुश रहिए, मस्त रहिए, हर हर महादेव, गुड गुड जी, है ना? तो विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स? क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों। सर 4 फरवरी 1922 को हुआ था। अमिशा जी 4 फरवरी 1922 को हुआ था ये यूपी सरकार मानती है, जबकि आपके एसएससी रेलवे इसे 5 फरवरी मानता है, ठीक है? और बिहार में भी जो एग्जाम हुआ है कई बार तो 5 फरवरी माने जाते हैं। तो क्या हो गई से? सर ये 25 से 28 बहुत गलती करते हैं, इसे कॉन्सेप्ट बनाइएगा। 25 से धार्मिक आजादी है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, आप जिस धर्म को मानोगे उसका मैनेज करोगे। सर 4-5 में तो नहीं, 5 फरवरी, ठीक है, तो 26 होगा। क्या कहता है? मैनेज की बात करता है, मैनेज की बात करता है, है ना? तो 25 से 28 सब याद रख लो बिल्कुल, चलिए। और ये सब एंजॉय करिए शादी में, था ना? देखो दोस्तों आर्टिकल 25 कहता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, आप जिस धर्म को मानोगे उसका मैनेजमेंट करोगे,
इसके बाद किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करोगे भुगतान से मुक्ति, सरकार या भारत सरकार कभी भी आपको रिलीजन टैक्स के लिए नहीं बोलती है। और कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 28। तो 25 से 28 याद रखिएगा, 25 से 28 ये चारों याद रखना, बहुत बार गलती होता है। ठीक है निशा जी, फोकस करिए पढ़ने पे, है ना। ठीक है तो याद रखिएगा 25 से 28 मैच ऑफ द फॉलोइंग देगा तो गड़बड़ होगा, इसे याद रखना। ओके चलो आ जाओ नेक्स्ट। भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी कौन सी नहीं है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27। देखो विच इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी इन इंडिया, क्वेश्चन नंबर 7। कुछ दिन पहले पढ़ाया था हमने कि कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टी हैं, बताइए क्या होगा। चलो विच इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी इन इंडिया, समाजवादी पार्टी। जितने सारे बच्चे हैं सबका जवाब गलती है। हमें समझ नहीं आता है कि जब आपको पढ़ाया जाता है, अभी दो तीन दिन पहले मैंने एक्सप्लेनेशन दिया आपको, एक्सप्लेन करा है, फिर भी गलती। पता है उसके पीछे कारण क्या है, कि जो आप आपस में बात करते हो ना, फर्जी जो कमेंट्स दिखते हैं, कारण यही है याद नहीं होने के। देख लो सब लगा रहे हैं 4 3 2 1, समझ ही नहीं आता क्यों ऐसा गलती होता है। कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, कुछ दिन पहले मैंने एक्सप्लेनेशन दिया कि नहीं दिया है, बतियाओ बढ़िया से, है ना, खूब बातें करो बिल्कुल। तो भारत में टोटल 9 नेशनल पार्टी है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सीपीएम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। ये आपके सामने, इसके स्थापना के वर्ष आपके सामने है। ठीक है बेटा, पूरा नाम वही है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है नाम पूरा, हम उसे टीएमसी टीएमसी शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है आ जा। आयन सिकंदरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, द ऑथर ऑफ द बुक आयन ए सिकंदरी वाज अमीर खुसरू, फिरदौसी, हसन निजामी, सिकंदर लोदी, क्या होगा चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, द ऑथर ऑफ द बुक आयन ए सिकंदरी वाज तो दोस्तों आयन ए सिकंदरी की बात कर रही है, कौन है, अमीर खुसरो। अब देखो एक चीज और याद रखिएगा, पूरा नाम क्या है, तो आयन ए सिकंदरी मसनवी, पूरा नाम क्या है दोस्तों, मसनवी अमीर खुसरो, है ना, क्या होगा अमीर खुसरो। और इसमें अलाउद्दीन खिलजी का गुणगान किया गया है, अलाउद्दीन खिलजी का गुणगान किया गया है। ठीक है तो कौन है, अमीर खुसरो, जिसे भारत का तोता कहते हैं, खड़ी बोली का आविष्कारक है, जिसने तबला और सितार का आविष्कार किया है, जो उत्तर प्रदेश के एटा डिस्ट्रिक्ट के पटियाली से है। ठीक है आई बात समझ में, आईने सिकंदरी, जबकि आईने अकबरी अगर होता तो हम अबुल फजल लगाते, अबुल फजल। ठीक है नेक्स्ट, जैसे कि अरावली अवशिष्ट पर्वत से संबंधित है, उसी प्रकार शिवालिक भी संबंधित है, किससे, रिफ्ट वैली, ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन। क्वेश्चन नंबर 9, चलो बताओ। तो एज अरावली इज रिलेटेड टू द रेसिडुअल माउंटेन दोस्तों, इन द सेम वे शिवालिक इज ऑल्सो रिलेटेड टू, क्या होगा, चलो कोई ना, गलत ही सही लेकिन जवाब तो दोगे, चलो बता सवाल नंबर 9 क्या होगा। तो दोस्तों वलीत पर्वत देख लो, जिसे फोल्ड माउंटेन कहते हैं,
फोल्ड माउंटेन को एक और नाम से जानते हैं, वलीद पर्वत के नाम से। इसीलिए कहते हैं कि इंग्लिश जरूर देखिए, क्यों? क्योंकि शिवालिक किसका भाग है? ये हिमालय का पार्ट है, ये हिमालय का पार्ट है, सबसे दक्षिणी भाग, सबसे दक्षिणी भाग, सबसे आउटर पार्ट। तो याद रखिएगा, मोड़ो पर्वत को हम एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? फोल्ड माउंटेन के नाम से, वलीद पर्वत के नाम से। क्लियर है? अरे बात समझ में। तो शिवालिक किसका भाग है? हिमालय का दक्षिणी भाग है, दिमाग में सेट रखिए। रटिए मत, चीजों को समझिए। आप केवल रटते हैं हिमालय सर वलीद पर्वत है, तो हिमालय का भाग भी तो रटना पड़ेगा, ठीक है? आ जाओ नेक्स्ट। किस क्षेत्र को डोल्ड्रम्स की बेल्ट कहा जा सकता है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस कैन बी कॉल्ड द बेल्ट ऑफ डोल्ड्रम्स? पोलर रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट जोन, इक्वेटर। क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस कैन बी कॉल्ड द बेल्ट ऑफ डोल्ड्रम्स? तो दोस्तों डोल्ड्रम की बेल्ट किसे कहेंगे? इक्वेटर को, भूमध्य रेखा को। कई बार पढ़ा चुके हैं, देख लो फोटो। दोस्तों अब ये देखिएगा कि 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ के बीच को डोल्ड्रम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों बहुत ट्रेड विंड है ही नहीं यहां पे, जबकि 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ को हम हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। हॉर्स लैटिट्यूड, अश्वच्छांश। क्यों बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड? क्योंकि वहां घोड़े फेंक दिए जाते हैं। तो डोल्ड्रम जब कहेगा तो कहेगा इक्वेटर, 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ। हॉर्स लैटिट्यूड कहेगा तो 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ, याद रखना, ठीक है? चलो आ जाओ नेक्स्ट। प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है? द मेन कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा, दोस्तों प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या होगा? द मेन कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा, द मेन कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा दोस्तों, प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? पानी, जल। प्लाज्मा में सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा? पानी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? पानी देखने को मिलेगा। 90% तक पानी होता है दोस्तों। आप देख सकते हो कि सर ब्लड को दो भागों में डिवाइड करते हैं, प्लाज्मा और फिर ब्लड सेल्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिसमें 90% क्या होता है दोस्तों? जल होता है। देख लो सब प्रोटीन लगा रहे हैं, सारा पढ़ा चुके हैं, सब बता चुके हैं। प्रोटीन दोस्तों 7% होता है, जिसमें एल्बुमिन, ग्लोब्यून, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजेन होता है दोस्तों। और 3% में फिर आपका न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, गैसेज आपके सामने। आ रही बातें समझ में? तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड देख सकते हो, 55% प्लाज्मा है, जिसमें 90% जल है, 90% वाटर है, ठीक है? नेक्स्ट। द डांस गंभीरा इज रिलेटेड टू, नृत्य गंभीरा किससे संबंधित है दोस्तों? चलो बताओ। द डांस गंभीरा इज रिलेटेड टू, तो गंभीरा नृत्य दोस्तों ये पश्चिम बंगाल से है। किससे? ये पश्चिम बंगाल से। क्या हो रहा है? पसीना निकल रहा है क्या सबका? परेशान क्यों हो? सारे पता है क्वेश्चन कहां से है? लगभग क्वेश्चन बिहार, यूपी और हरियाणा पुलिस से है, और फिर कुछ बचा तो एसएससी जीडी, वहीं से क्वेश्चन उठाया गया। बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस और एसएससी जीडी, वहीं से क्वेश्चन उठाया गया है, दिमाग में सेट रखिएगा। सारे क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस और एसएससी जीडी के सवाल हैं सारे के सारे, सब पीवाईक्यू है दोस्तों। जम्मू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द जम्मू ग्लेशियर लोकेटेड? क्वेश्चन नंबर 13 बताओ। जम्मू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है दोस्तों? चलो कुशवाहा जी, ऐसे भी आप टैलेंटेड हैं, आपको तो मैं हमेशा मानता हूं कि आप बिल्कुल टैलेंटेड हैं। पता नहीं क्यों गलती कर रहे हो आज। सिक्किम बच्चे, जम्मू ग्लेशियर बच्चे कहां से? सिक्किम। क्या होगा? सिक्किम।
अब देख सकते हो कि जैमू ग्लेशियर से ही तिस्ता नदी निकलती है। जैमू ग्लेशियर से बच्चे तिस्ता नदी निकलती है, याद रखिएगा, जैमू ग्लेशियर से ही तिस्ता नदी निकलती है। तो जैमू हिमानी हिमालय के पूर्वी भाग में सबसे बड़ी हिमानी है और भारत के सिक्किम राज्य में कंचनजंगा के पर्वत चरणों में स्थित है, याद रखिए। यहीं से तिस्ता नदी निकलती है, क्या रहेगा याद, यहीं से तिस्ता नदी निकलती है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति कब नियुक्त हुई दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, चलो बताओ। अरे आपको आता है, बस केवल अब भटक रहे हो, बताओ सवाल नंबर 14 क्या होगा। बलवंत राय मेहता समिति कब नियुक्त हुई थी दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति की बात करें, ये जनवरी 1927 में नियुक्त हुआ है, और कब, जनवरी 1957, सॉरी जनवरी 1957 में इसकी नियुक्ति की गई है। नियुक्ति पूछा, रिपोर्ट नहीं, 1959 मत लगाना, आप रिपोर्ट समझ के 1959 लगा रहे हो। तो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति को भारत सरकार द्वारा 16 जनवरी 1957 को नियुक्त किया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कामकाज की जांच के लिए, और सामुदायिक विकास कार्यक्रम का गठन कब हुआ, 1952 में, और फिर ये रिपोर्ट 24 नवंबर 1957 को अपना रिपोर्ट सौंप दिया, और दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को ये लागू हुआ है, 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ है, ठीक है, याद रहेगा। 16 जनवरी 1957 को नियुक्त किया गया, 24 जनवरी 1957 को अपना रिपोर्ट दिया, और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में लागू हुआ है, ठीक है, तो याद रखना बिल्कुल। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहां स्थित है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लोकेटेड इन इंडिया, क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, बताओ क्या होगा। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय दोस्तों कहां पे, मुंबई में, हैदराबाद में इरेडा का मुख्यालय है, लखनऊ में सिडबी का मुख्यालय है, और दिल्ली, तो भैया लोग कहते ही हैं कि दिल्ली ऑप्शन है तो दिल्ली लगा दीजिए, है ना, लोग कहते भी हैं कि ऑप्शन में दिल्ली हो तो दिल्ली लगा दीजिए, लेकिन यहां दिल्ली ना होगा, मुंबई होगा, याद रखियो। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया जिसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है, है ना, इसकी स्थापना नवंबर 2003 में, याद रखिएगा, नवंबर 2003 में, ठीक है। नेक्स्ट, इल्तुतमिश के पूर्व दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, हु वाज द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत बिफोर इल्तुतमिश, क्वेश्चन नंबर 16, इल्तुतमिश के पहले दिल्ली सल्तनत का शासक दोस्तों, एक मिनट रुकना बच्चे, ठीक है, एक सेकंड रुकना जरा, ये तंग कर रहा है मुझे यार, चलिए बताइए तो क्या होगा दोस्तों, आराम शाह, काहे गलती कर दी है, इल्तुतमिश के पहले शासक कौन है, आराम शाह है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में उसका बच्चा बैठता है आराम शाह, और फिर इल्तुतमिश आराम शाह की हत्या करके गद्दी पर बैठा, और इल्तुतमिश के बाद फिर रुकनुद्दीन फिरोज, और इसके बाद फिर रजिया बेगम, है ना, आ रही बातें समझ में। तो पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा, इसके बाद आराम शाह आएगा, फिर इल्तुतमिश आएगा, फिर रुकनुद्दीन फिरोज आएगा, और फिर रजिया आएगा, क्लियर है, दिमाग में सेट रखिएगा बिल्कुल। नेक्स्ट, भारत से बौद्ध धर्म को कश्यप मतंगा द्वारा किस वर्तमान क्षेत्र में पेश किया गया था दोस्तों, इन विच प्रेजेंट रीजन वाज बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम इंडिया बाय कश्यप मतंगा, क्वेश्चन नंबर 17, चलिए बताइए। भारत से बौद्ध धर्म को कश्यप मतंगा द्वारा किस वर्तमान क्षेत्र में पेश किया गया था, क्वेश्चन नंबर 17, जो भी ऐसा नाम रखा है क्या चाहते हो, ब्लॉक हो जाना, पढ़ लो भाई, क्यों ऐसा करते हो, चाइना दोस्तों, क्या होगा, चाइना,
तो दोस्तों आपको याद रखिएगा, माना जाता है कि कश्यप मतंगा ने सबसे पहले चीन में बौद्ध धर्म का परिचय दिया और भारत से चीन के लोयांग की यात्रा की और इनके साथ चीनी नाम चू फलन भी साथ में गया था, याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट, जिस प्रकार मत्स्य विज्ञान संबंधित है मछलियों के अध्ययन से, उसी प्रकार जर्रा विज्ञान किससे संबंधित है दोस्तों, चलो बताओ। चलो जल्दी, क्वेश्चन नंबर 18। एज मत्स्य विज्ञान इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ फिशेस, इज द सेम वे जरा विज्ञान इज रिलेटेड टू क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18। चलो जल्दी, रुक जाओ जरा सा, इसको ना ऐसे अनवांटेड को ब्लॉक करना बेटर होगा, है ना। रुक जाओ दोस्तों, रुक जाओ, क्यों ऐसा करते हो यार, पढ़ लिया करो, क्यों ऐसा करते हो, पढ़ लिया करो, पढ़ने में क्यों परेशान करते हो बताओ लोगों को। रुक जाओ, स्टूडियो से ब्लैक ब्लॉक मारते हैं ऐसे बच्चों को, मेरा कहना भैया पढ़ लो आराम से। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा, तो दोस्तों ये क्या होगा, वृद्ध का अध्ययन, है ना। मेरा कहना भाई कोई भी बच्ची है, हर किसी की बहन है, हर किसी की बेटी है, क्यों ऐसा काम करते हो। सोचो आप ही की बहन हो और कहीं पढ़ रही हो और कोई लड़का ऐसा बदमाशी करे तो क्या आपको अच्छा लगेगा, घर आके बोलेगी तो। आप खुद बोलिए, खुद सोचिए कि आपकी बहन है, आपकी कोई रिलेटिव है, तो कभी भी ऐसा काम मत करिए, है ना, कभी भी ऐसा काम मत करो बिल्कुल जो अनवांटेड लगे किसको, किसी को, है ना। कभी भी ऐसा काम मत करो दोस्तों जो चलो आ जाओ, दोस्तों वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन जेरोंटोलॉजी कहलाता है और जंतु विज्ञान की वह शाखा जो मछलियों के अध्ययन से संबंधित है इक्थियोलॉजी या इस्थोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है दोस्तों, चलो जल्दी बताओ, चलो डू इट फास्ट। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है, चलिए। तो वायुमंडल में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिशत की बात करें, ऑप्शन नंबर 2 0.3%, है ना, 0.3%। तो दोस्तों आपको याद होगा कि सबसे ज्यादा आपको नाइट्रोजन देखने को मिलता है 78%, ऑक्सीजन लगभग 21%, और अदर गैसेस कई सारे हैं, ऑर्गन 0.93% और फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों कि सबसे कम क्या देखने को मिलेगा, रेडॉन नहीं पाया जाता है, रेडॉन यहां नहीं पाया जाता है, दिमाग में सेट रखिएगा, ठीक है, 0.03%, चलो ठीक है, है ना। चलो आ जाओ, आगरा में लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, हाँ कर दिया 0.03%, परेशान ना होइए। आगरा में लाल किले का निर्माण
ठीक है। आगरा में लाल किले का निर्माण दोस्तों आपको याद होना चाहिए सर अकबर ने किया था, और आगरा के लाल किला में जो मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद इसका निर्माण कौन करता है, इसका निर्माण शाहजहां करता है दोस्तों। जबकि दिल्ली में लाल किला है उसका निर्माण शाहजहां, दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां और दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब, तो ये अकबर होगा, अकबर याद रखिएगा ठीक है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में किसकी अध्यक्षता की थी, क्वेश्चन नंबर 21, चलो बताओ। महात्मा गांधी प्रेसाइडेड ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो दोस्तों महात्मा गांधी 1924 बेलगाम, बेलगाम जो कहां पे, ये कर्नाटक में है ना, जो कहां है दोस्तों कर्नाटक में, याद रखिएगा। ओके नेक्स्ट, गांधी जी 1924 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, याद रखिएगा ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी, स्टेनली बाल्डविन, नेविल चेंबरलेन, सर विंस्टन चर्चिल या रैमसे मैकडोनाल्ड, क्वेश्चन नंबर 22, चलो बताओ। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दोस्तों रैमसे मैकडोनाल्ड, आपको याद होगा कि सांप्रदायिक पंचायत होता है किसके बीच, रैमसे मैकडोनाल्ड और बाबा साहब के बीच में, इसी के बाद 24 सितंबर को 1932 को पूना पैक्ट देखने को मिलता है, पूना पैक्ट देखने को मिलता है, याद रखिएगा ठीक है। पीची वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है बच्चे, पीची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, क्वेश्चन नंबर 23, चलो बताओ। पीची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो दोस्तों पीची वन्यजीव अभयारण्य की बात करें ये केरल में है, कहां पे, ये केरल में है, पीची का बच्चे केरल में, बच्चों याद रखिएगा पीची वन्यजीव अभयारण्य केरल में है ना। तो पीची पूरा नाम क्या है, पीची वाजानी वन्यजीव अभयारण्य, पीची वाजानी वन्यजीव अभयारण्य जो कहां पे दोस्तों केरल में है, कहां पे केरल में है, याद रखिएगा है ना। नेक्स्ट ना होगा कर्नाटक और महाराष्ट्र, केरल लगाओ जल्दी से। किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी, भोपाल, इलाहाबाद, कानपुर, जबलपुर, क्वेश्चन नंबर 24, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आजाद शॉट हिमसेल्फ व्हेन ही वाज सराउंडेड बाय द ब्रिटिश पुलिस दोस्तों। तो दोस्तों ये इलाहाबाद है, अल्फ्रेड पार्क, ये कब की घटना है, तो सर 27 फरवरी 1931 को, आजाद थे आजाद रहेंगे, आजाद थे आजाद रहेंगे, कब गोली मारी इन्होंने, 27 फरवरी 1931 को, याद रखिएगा अल्फ्रेड पार्क में, ठीक है, आजाद थे आजाद रहेंगे, अल्फ्रेड पार्क दिमाग में सेट रखिएगा दोस्तों, आगे देखिए। तो 27 फरवरी 1931 को एक सहयोगी द्वारा धोखा दिए जाने के कारण ये खुद को गोली मार दिए थे, है ना। नेक्स्ट, किस नदी का समागम अरब सागर में है दोस्तों, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज एसोसिएटेड विद द अरेबियन सी, क्वेश्चन नंबर 25, तो दोस्तों नर्मदा यानी चार नदी मुख्य रूप से मैंने कई बार पढ़ाया आपको, समानता याद रखेंगे, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये सब के सब अरब सागर में गिर जाती है दोस्तों, सब के सब अरब सागर में गिर जाती है, सब के सब अरब सागर में गिरेंगे, अरब सागर अगर ना होगा तो खंभात की खाड़ी, क्या बोलेंगे, खंभात की खाड़ी, क्या बोलेंगे दोस्तों, खंभात की खाड़ी है ना, याद रखिएगा बिल्कुल। नेक्स्ट, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों किस राज्य में स्थित है बच्चे, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, क्वेश्चन नंबर 26, चलो बताओ। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, क्वेश्चन नंबर 26, तो दोस्तों भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये कर्नाटक में है बच्चों, कहां पे, कर्नाटक में, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक में मौजूद है, कहां पे, कर्नाटक में है ना। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों जो प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा था, प्रोजेक्ट टाइगर की बात की जाए तो कब लाया गया सर, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर
लाया गया था। कब लाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था, जबकि 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट, किस राज्य में भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? बहुत आसान, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया? चलिए इजी क्वेश्चन है, अच्छा आसान सवाल है। तो दोस्तों किस राज्य में भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे कम? अरुणाचल प्रदेश, मात्र 17, और सबसे अधिक बिहार। ये जनगणना 2011 के अनुसार कितने, तो 382 लोग निवास करते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में। 382 लोग निवास करते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में, दिमाग में सेट रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। तो दोस्तों दिल्ली सबसे अधिक 2011 के अनुसार, और अरुणाचल प्रदेश सबसे कम 17 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में दोस्तों? इन विच कंट्री डज द रिवर डेन्यूब ओरिजिनेट? हंगरी, जर्मनी, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, क्वेश्चन नंबर 28। हाँ जी, बिहार टॉप पे है। ओ, आज ध्यान मेरा कहां है दुबे जी, ध्यान कहां है? पर्व त्योहार तो खत्म हो गया, अब देखा नहीं, मैंने कैलेंडर डाल दिए थे एसएससी के, एसएससी का कैलेंडर मैंने डाल दिया था दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल पे, कि सीजीएल कब आ रहा है, सीएचएसएल फिर कब आ रहा है, और एमटीएस कब आ रहा है, तैयार रहना। 1 अप्रैल को नोटिफिकेशन आ जाएगा सीजीएल प्री का, तो इस बार तो गलती कर गए, इस बार चूकना मत, क्योंकि 2023 में दो बार मौका दे रही है आपको सरकार एसएससी, है ना। तो दोस्तों ये जर्मनी होगा, क्या होगा दोस्तों? जर्मनी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। जर्मनी में उत्पन्न डेन्यूब नदी 2850 किलोमीटर काला सागर में मिलने से पहले यह ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, मोल्दोवा, यूक्रेन से होकर गुजरती है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? Which of the following is the largest continent by area? चलो बताओ, इंग्लिश नहीं आती तो कब सीखेंगे इंग्लिश? मान लो कि रेलवे भी अपने नए सिलेबस में अगर इंग्लिश कर दिया क्वालिफाइंग, कि भैया इंग्लिश देना है, जस्ट मार्क्स नहीं जुटेगा लेकिन क्वालिफाई करना पड़ेगा। जैसे अभी एमटीएस क्या किया है, एमटीएस क्या किया है, एमटीएस में मैथ्स और रीजनिंग का मार्क्स नहीं जुटेगा लेकिन क्वालिफाई करना पड़ेगा। हमें लगता है आने वाले समय में रेलवे में भी ऐसा ही करेगा कि इंग्लिश का मार्क्स नहीं जुटेगा, क्वालिफाइंग रहेगा, देखना। इसीलिए अभी से ही तैयारी करनी शुरू कर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर एशिया, कैसे याद रखे सर? आ नासा आइए, मतलब एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, है ना, याद रखना बिल्कुल। नेक्स्ट, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया दोस्तों? चमेरा डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, क्वेश्चन नंबर 23। इसीलिए एसएससी जरूर भरिए, इस बार एसएससी का फॉर्म आप लोग जरूर भरिए। तो चमेरा बांध दोस्तों किस नदी पर बनाया गया है, क्वेश्चन नंबर 23। तो दोस्तों चमेरा बांध की बात करें रावी नदी पे है दोस्तों, कहां पे? रावी, पुराना नाम परुसनी, पुराना नाम परुसनी, याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। तो चमेरा बांध रावी नदी को दर्शाता है दोस्तों। इस क्षेत्र में पनबिजली परियोजना है और यह हिमाचल प्रदेश में है, कहां पे? हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, कहां पे? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट, गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? गैलेरस वॉल्केनो इज लोकेटेड इन विच कंट्री? कोलंबिया, मैक्सिको, इटली या हवाई? चलिए गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो गैलेरस वॉल्केनो की बात करें दोस्तों, ये कोलंबिया में है। ये कहां है? कोलंबिया। कहां है दोस्तों? कोलंबिया में है, याद रखियो, ठीक है। गैलेरस कोलंबिया के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में
स्ट्रेटो वॉल्केनो जो दक्षिण अमेरिकी देश में सबसे एक्टिव वॉल्केनो में से एक माना जाता है, याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट, थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में है, देख लो। थोसेघर वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच स्टेट, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों, थोसेघर वाटरफॉल की बात करें दोस्तों तो यह महाराष्ट्र में है। थोसेघर वाटरफॉल की बात की जाए तो यह महाराष्ट्र में है। कहां पे दोस्तों? महाराष्ट्र में। थोसेघर वाटरफॉल कहां पे? महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सर थोसेघर जलप्रपात भारत में कोंकण क्षेत्र के किनारे सतारा के पास है। यही सतारा जो डॉक्टर ऑफ लैप्स के तहत हड़पा गया था, पहला राज्य। ठीक है, पहला राज्य हड़पा गया था डलहौजी ने, सतारा है ना। नेक्स्ट, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ द टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन लिविंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ? 60, 70, 80, 90। क्वेश्चन नंबर 33 बताओ। तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत दोस्तों 90%। 90% क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों, ये दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में कौन है? केवल ऑस्ट्रेलिया महादेश, और बचा तो सर दक्षिण अमेरिका, और बचा तो अफ्रीका का कुछ भाग, बाकी बात सब तो इधर ही है, सब तो इधर है, एशिया है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, अफ्रीका का लगभग भाग है। तो 90%। ठीक है, तो दोस्तों वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध में विश्व की लगभग 640 करोड़ जिससे भी ज्यादा जनसंख्या है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 90% है। देख लो, देख लो, जो ये देखो सारा तो यहीं पे है ना, याद रखिए। बिल्कुल, कौन से संसदीय समिति का सदस्य अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? क्वेश्चन नंबर 34, पराक्रम समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति या प्रत्यायोजित विधान समिति? क्वेश्चन नंबर 34, कौन सी संसदीय समिति का सदस्य अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है दोस्तों? तो क्या होगा? प्राकलन समिति, सबसे बड़ी समिति जिसमें 30 सदस्य हैं, लोक लेखा समिति 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। तो क्या होगा? प्राकलन समिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, प्राकलन समिति। ठीक है, एस्टिमेट कमिटी दिमाग में सेट रखिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? हर छठे वर्ष के समाप्ति पर, पांचवें वर्ष के समाप्ति पर, दूसरे वर्ष के समाप्ति पर, तीसरे वर्ष के समाप्ति पर? क्वेश्चन नंबर 35, चलिए बताइए। व्हेन इज द फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ पंचायत एज पर आर्टिकल 243 आई? क्या होगा? सैयद एस्टिमेट कमिटी में 30 होंगे, जो आप 15+7 लगा रहे हो ना, वो पीएससी है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। सिंपल सा फंडा है कि प्रत्येक 5 वर्षों में चुनाव होना है, प्रत्येक 5 वर्षों में वित्त आयोग की नियुक्ति होगी जो आर्टिकल नंबर 280 से, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी तो होगा, है ना। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? 213, 123, 161, 72। क्वेश्चन नंबर 36 बताइए, बता बच्चों क्या होगा? एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट हैज पावर द प्रोमुलेट एन ऑर्डिनेंस, क्या होगा? तो दोस्तों ये निकल कर आएगा आर्टिकल नंबर 123, ये राज्यपाल का ऑर्डिनेंस पावर है। ठीक है, ये 61 महाभियोग है दोस्तों, इंपीचमेंट है, और 72 पार्डन पावर, फांसी की सजा माफ करना। ठीक है, तो 213 राज्यपाल, याद रखना बहुत आसान है, 123 राष्ट्रपति का है,
इसको आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, ये राज्यपाल हो जाएगा, ये राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37। हाँ निशा जी, पीडीएफ मिल जाएगा क्लास के तुरंत बाद बच्चे। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स इन राज्यसभा, दे ही तो देते हैं क्लास के तुरंत बाद, बताओ कब नहीं देते हैं। तो दोस्तों 12, क्यों, क्योंकि अब एंग्लो इंडियन की कहानी खत्म हो गई, एंग्लो इंडियन खत्म हो गई 104 संशोधन अधिनियम से, अब क्या होगा केवल 12 राज्यसभा में, है ना। डैश को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति प्राप्त होती है दोस्तों, डैश हैज द पावर टू प्रोरेज द लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, क्वेश्चन नंबर 38, क्या होगा बताओ। बताओ कितने नाइंसाफी हैं, अभी 50 प्लस बच्चे हैं तो कम से कम लाइक कितनी होनी चाहिए बताओ, कायदे से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए भाई। अगर आपको नहीं समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए ना वीडियो खत्म होने के बाद, मैं हर 100% उसे दूर करने की कोशिश करूंगा कि सर आप में ये कमी है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन सेशन को कम से कम लाइक करने तो बनता है दोस्त, गवर्नर होगा, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं लोकसभा संसद सत्र की, तो वहां राष्ट्रपति है, वैसे राज्यों में गवर्नर है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहां किया गया, वेयर हैज द फर्स्ट मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन बीन इनॉग्रेटेड, क्या होगा दोस्तों। बताओ दोस्तों क्या होगा, नोएडा, है ना, नोएडा, क्या दोस्तों, नोएडा, याद, क्या होगा बच्चों, नोएडा, याद रखिएगा, ठीक है। किस राज्य में 2021 में राज्य विधानसभा की सबसे अधिक बैठकें हुई थी, नहीं मेरा कहना, अगर आपको नहीं समझ में आता क्लास में, तो आप जरूर बताइए वीडियो खत्म होने के बाद कि सर मुझे ये टॉपिक, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, 100% मैं आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो किस राज्य में 2021 में राज्य विधानसभा की सबसे अधिक बैठकें हुई है दोस्तों, तो ये केरल है, सोचो सबसे अधिक बैठक सेशन लगा है केरल में। केरल कितना डेवलप है मेरे भाई, है ना, संविधान भी जानता है, एक इसका डिस्ट्रिक्ट है संविधान जानने वाला केरल, है ना। 2021 के लिए राज्य विधानसभाओं के कामकाज पर स्थित एक थिंक टैंक सबसे ज्यादा बैठक, है ना, इसके बाद ओडिशा 43 है, इसके बाद कर्नाटक 40 है, और फिर तमिलनाडु 34 है, ना, सबसे ज्यादा केरल, याद रखिएगा। भारत में प्रधानमंत्री क्या होते हैं दोस्तों, लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, लोकसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा में बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 41। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, हाँ जी केरल में 61 है, केरल में 61 है, अपॉइंटेड ना है ऑप्शन में, अच्छा ये बताइए, अब आप जरा समझिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा या डी होगा, मुझे बता दो केवल, फिर से सोच लो, ऑप्शन नंबर सी और डी को देख के फिर से सोच लो, ऑप्शन नंबर सी और डी को देखे फिर से सोच लो, आप सी लगा रहे हो, मैंने फिर से हिंट दिया आपको, मैंने फिर से आपको हिंट दिया, अब आओ समझाते हैं, क्या राष्ट्रपति किसी को भी नियुक्त कर सकता है, क्या राष्ट्रपति किसी को भी नियुक्त कर सकता है, क्या नहीं, जब तक लोकसभा में बहुमत दल द्वारा नाम मनोनीत नहीं होगा कि ये हमारे
बहुमत दल के नेता हैं। भैया ये प्रोसेस तब होगा सी जब प्रोसेस डी आएगा। बात समझ रहे हो? प्रोसेस समझिएगा। पहला क्या प्रोसेस है? पहला इलेक्शन है। मान लो इलेक्शन में नहीं जीता वो, तो भैया बहुमत दल जिसके पास है लोकसभा में वो उस नाम को नॉमिनेट करेगा, तब जाकर राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करेंगे। प्रोसेस समझना। तो ऑप्शन नंबर डी पहले होगा, ऑप्शन नंबर सी बाद में होगा। ठीक है, इससे पहले इसी क्वेश्चन में सी बताए थे दुबे जी, जरा क्वेश्चन देख लीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि ये तब होगा नियुक्त जब ऑप्शन नंबर डी आपका आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। जयप्रकाश पुल निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? इलेक्टेड भी तो होता है, कहां इलेक्टेड होता है शांतनु जी, कहां इलेक्टेड होते हैं? हम लोग एमपी को चुनते हैं, है ना। तो जयप्रकाश पुल दोस्तों जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये गंगा पे, कहां पे? गंगा, है ना, कहां पे दोस्तों? तो जयप्रकाश ब्रिज इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? दोस्तों ये गंगा पे, है ना। तो दोस्तों जयप्रकाश पुल जिसे हम जेपी सेतु कहते हैं, दीघा सोनपुर बिहार में रेलमार्ग पुल के रूप में भी हम जानते हैं, जिसकी लंबाई 4,556 मीटर है, 2016 में इसकी उद्घाटन की गई थी, है ना, बिहार में। कहां पे ये? बिहार में, याद रखियो। नेक्स्ट, भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? When was the first economic census conducted in India? 1951, 1972, 1977, 1991? दुबे जी दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन अब आप बताइए, आपको कहा जाएगा कि दुबे जी को नौकरी लग गई, दुबे जी को नौकरी लग गई, कैसे? पहला ऑप्शन, एग्जाम के बाद। दूसरा ऑप्शन, फॉर्म भरने के बाद, फॉर्म भरने के बाद। तीसरा ऑप्शन, इंटरव्यू के बाद। चौथा ऑप्शन, नन ऑफ दीज। क्या लगाएंगे? तो मेरे भाई आपको नौकरी तभी लगेगी जब आप फॉर्म भरोगे, आपको नौकरी तभी लगेगी जब आप फॉर्म भरोगे। जब हम फॉर्म भरेंगे ही नहीं तो एग्जाम कैसे देंगे? एग्जाम नहीं देंगे तो इंटरव्यू कैसे देंगे? तो आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है दोस्त, आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है। ठीक है, ये 1977 दोस्त, आर्थिक जनगणना 1977, और ये है ना ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा ये देखो भैया, दुबे जी को समझाओ। दुबे जी आजकल उस चक्कर में ना पड़िए, आजकल आप भटक रहे हैं। तो क्या करोगे, चारों ऑप्शन देके आओगे क्या? अरे बेवकूफ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप एक ही तो आंसर दोगे, आप एक ही आंसर तो दोगे कि दो आंसर दोगे? तो फिर रहने दे भाई, तू नन लगा दे, तू नन लगा दे, ऑप्शन नंबर नन लगा दे फिर, फोर, है ना। तो दोस्तों 1976 में भारत सरकार ने आर्थिक जनगणना और सर्वेक्षण नामक एक योजना शुरू की है। में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने राज्यों के शासित प्रदेशों में अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय के सहयोग से पहली आर्थिक जनगणना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, अरुण थर्ड जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अरुण थर्ड वाटर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। क्या होगा? ऐसे क्लोज ऑप्शन आएंगे ही नहीं दुबे जी, कल आप आइएगा। ये क्वेश्चन बिहार के किस एग्जाम में पूछा है मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अब आप डिबेट करने पे तुल गए हो बिल्कुल। हर हाल में आपको सही करानी है, हर हाल में आपको लगता है कि सर मेरा सही होना है, तो आप जो लगा के आइए, आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, है ना। नेपाल दोस्तों, कल हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि कोसी नदी तीन धाराओं से बह के निकलती है,
तीन धाराओं में, किसमें? अरुण, तुमर, याद आ रहा है? तो वही अरुण है जो नेपाल में है, है ना? तो दोस्तों अरुण थर्ड जल विद्युत परियोजना नेपाल में स्थापित किया गया दोस्तों, जो अरुण नदी पर शंखु वासभा जिले में एक निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना है। 1992 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, 1992 में इसकी स्थापना हुआ है लेकिन लागू नहीं हो सका। तब जाकर जब 2 नवंबर 2014 में जब मोदी जी आए तब फिर जाकर इसकी शुरुआत हो गई, है ना। नेक्स्ट, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? बृहस्पति, नेपच्यून, यूरेनस, शनि। क्वेश्चन नंबर 45, चलिए बताइए। ना जी ना, ब्लॉक नहीं हो। हिप्पोकैम्प इज द मून ऑफ विच प्लैनेट? हिप्पोकैम्प की बात करें, ये नेपच्यून दोस्तों। सबसे ज्यादा मून किसका? जुपिटर का 92 और शनि का कितना? 83। यूरेनस का कितना? 27। तो नेपच्यून का कितना दोस्तों? 14। पहले 13 था, अब 14 हो गया। वरुण सौर मंडल में सूर्य से 8वां और सबसे दूर ज्ञात ग्रह। वरुण के 14 ज्ञात हैं जो 2013 में खोजा गया था। एक हिप्पोकैम्प वरुण का चंद्रमा है, याद रखिए। किसने खोज की? तो दोस्तों मार्क सोल्टर ने इसे खोज की। पहले 13 सैटेलाइट था, अब इसका 14 सैटेलाइट है। कितना? 14 सैटेलाइट है, याद रखिएगा, 14 सैटेलाइट है, है ना। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? 69, 63, 64, 65। क्वेश्चन नंबर 46, चलो बताओ। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज हिज फंक्शंस? क्वेश्चन नंबर 46 दोस्तों, तो क्या होगा सर? 65। 69 से उपराष्ट्रपति का शपथ है दोस्तों, 63 से उपराष्ट्रपति होंगे और 64 से ये एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा की, याद रखिएगा, है ना। तो डी, 69 मत लगाना, मैंने कई बार बताया 60 ये शपथ है किसका? राष्ट्रपति का शपथ। आप इसका टांग खींच दीजिए, ये उपराष्ट्रपति का शपथ होगा, तो भूलिएगा मत, 65 होगा। क्या होगा दोस्तों? आर्टिकल नंबर 65। मैं कई बार कहता हूं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फंडामेंटल राइट, डीपीएस स्पीच सब याद कर लो, रट्टा मार लो बिल्कुल, फिर भी रट्टे ना मारते हो बिल्कुल, रट जाओ। एक एक आर्टिकल। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत और नेपाल की सीमा पर है, गंडक नदी के तट पर स्थित है, वो क्या है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 47। द नेशनल पार्क विच इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड नेपाल ऑन द बैंक ऑफ बैंक्स ऑफ रिवर गंडक, क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों ये वाल्मीकि जो बिहार में है, ये बिहार में है। ग्रेट हिमालयन हिमाचल प्रदेश, हेमिस लद्दाख और नंदा देवी उत्तराखंड, है ना। तो याद रखिएगा ये कहां? बिहार में। ओके, अनुच्छेद 35(a) के प्रावधान को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया था? 1947, 1950, 1954, 1957। क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों, द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 35(a) वाज इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्वेश्चन नंबर 48। तो दोस्तों ये क्या है? 1957 में इसका संविधान बनकर तैयार हो गया था, जम्मू कश्मीर का संविधान तैयार हुआ 1957 में, लेकिन 1935 लागू हो गया 54 में। 35 से बहुत खतरनाक था दोस्तों, अगर मोदी जी नहीं हटाते ना, बहुत खतरनाक था। मतलब भारत के अन्य राज्य के निवासियों के लिए कोई अधिकार ही नहीं था, 35 से था, अब खत्म हो गया, है ना, याद रखिएगा। मेघदूत ऐप जो कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, किससे संबंधित है? कृषि, चिकित्सा विज्ञान, शिक्षा, पेंशन। क्वेश्चन नंबर 49। द मेघदूत ऐप विच हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू? क्वेश्चन नंबर 49।
क्या था बच्चे, अगर आप जम्मू कश्मीर की लड़की से शादी करेंगे तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगा, लड़की की नागरिकता खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो पाकिस्तान की लड़के से शादी करती है तो पाकिस्तान के लड़के को जम्मू कश्मीर का नागरिकता मिल जाएगा। इससे खतरनाक क्या हो सकता है सोचो। तो दोस्तों ये एग्रीकल्चर से, किससे ये एग्रीकल्चर से है ना, कृषि से। दोस्तों मेघदूत किसानों की सहायता के लिए शुरू किया गया एक मोबाइल एप्लीकेशन जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा डेवलप किया गया। ये क्या होता है, किसानों के मोबाइल पर ना मैसेज आ जाता है, किससे रिलेटेड, तो टेम्परेचर कैसा है, बारिश कैसा होगा, ह्यूमिडिटी कैसा है, हवा की गति कैसी है, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, विग्रह राज फोर ने अजमेर की अढ़ाई दर्गा झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था, कॉलेज, मंदिर, गरीब खाना, धर्मशाला, क्वेश्चन नंबर 50। चलो बताओ, आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद रखोगे बहुत कुछ सीखा होगा आपने। तो दोस्तों ये कॉलेज था, संस्कृत कॉलेज था दोस्तों, ये संस्कृत कॉलेज था ना। दुबे जी मैं गुस्सा ना हुआ हूं है ना, तो संस्कृत कॉलेज था दोस्तों, कई बार पढ़ाया मैंने आपको, याद होगा। तो देखो ढाई दिन का झोपड़ा के पहले विग्रह राज फोर ने अजमेर में संस्कृत कॉलेज को बनाया और कुतुबुद्दीन ऐबक इसे तोड़कर ढाई दिन में एक मॉस्क्यू एक मस्जिद का निर्माण करा दिया है ना। तो दोस्तों पहले चौहान शासक विग्रह राज फोर जिसे बिसलदेव कहते हैं, एक संस्कृत विद्यालय था। मोहम्मद गोरी के गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में इसे तोड़ दिया और मस्जिद ढाई दिन का झोपड़ा बनाया जो राजस्थान के अजमेर में स्थित है ना, याद रहेगा। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, उम्मीद करते हैं कि काफी इंजॉय किया होगा, काफी कुछ सीखा होगा आपने। अगर सेशन पे पहली बार आए होंगे तो ये टेलीग्राम चैनल जहां पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ज्वाइन कर लेना दोस्तों, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो दोस्तों लाइक करके जाइएगा, कमेंट्स करिएगा वीडियो खत्म होने के बाद, अगर जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, ठीक है दुबे जी, और शेयर करना दोस्तों। बस यही कहते हैं आपसे कि आप जिस ग्रुप में पढ़ते हो या जहां जहां जाते हो आप शेयर कर दो, एक बच्चे शेयर करते तो वो कम से कम 2-3 बच्चों पर सब चला जाता है ना। अगर आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर नए सेशन में, तब तक के लिए अपना और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया।